और चैनल फ्रेंड, आज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तीन पेड़ को, आप यहाँ पे आपके सामने तीन पेड़ दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, ना कोई एडिटिंग, ना कोई कुछ, आपको कोई ना कोई फैक्ट, सीधे सीधे आपको ये तीन पेड़ दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ अब दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी देखते रहिए बस इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए, जैसे देख रहे हैं आप फ्रेंड, यहाँ पे अभी आपको कितना दिख रहा है, दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अजूबा है। अभी आप देख रहे हैं चलते जा रहे हैं, हम आपको दिखाते जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं पेड़ के पास तक। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पेड़ के पास तक हम जा रहे हैं। और अभी तक आपको कितना दिख रहा है फ्रेंड, आप वहाँ पे पेड़ के पास देखिए, दो। तो ये फ्रेंड कितना पेड़ है, दो। तो अब मैं शायद आप अभी इंट्रो में मैंने आपको दिखाया है कितने पेड़ हैं यहाँ पे, तीन। तो आप समझ सकते हैं जो आँखों से देखा हुआ भी आपको यहाँ पे गलत हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसे तीन पेड़ कैसे दिख रहा है। अभी हमें देखिए, अपने कैमरे का यहाँ से लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे तीन दिख रहा है। कहने का मतलब फ्रेंड, इस पेड़ को इतने अच्छे तरीके से लगाया गया इस हमारे ग्राउंड पे। हमारे पास रोज यहाँ पे अपनी तैयारियाँ करते हैं और इस ग्राउंड से लगभग 15 से 16 लड़के यहाँ पे हर साल में यहाँ पे हो जाते हैं। अभी खैर दोपहर के टाइम यहाँ पे कोई आता नहीं, सुबह 6 बजे तक यहाँ पे आते हैं लोग, दौड़ते धूपते अपना मेहनत वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। जैसे आप इस पेड़ को देख रहे, मैं यहाँ का अजूबा दिखाया, यहाँ पे एक ही अजूबा नहीं, यहाँ पे हर साल एक अजूबा होता है कि हमारे इस ग्राउंड पे हर एक आर्मी में हर एक बंदा सेलेक्ट हो ही जाता है। अब उसकी किस्मत होती है वो कहाँ पर छटता है कहाँ पर नहीं छटता, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्शन भी हो जाते हैं लोगों के। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला था। तो आपके वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।